नमस्कार, मैं दिव्या धरातल। 30 खबरों में आपका स्वागत है। देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को जानने से पहले गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने आज 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, सूबे की सूरत बदल रही है। राज्यपाल फागू चौहान ने यह भी कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा पूरा होगा। राजकीय समारोह में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। 74वें गणतंत्र दिवस को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी के कर्तव्य पथ पर परेड और निकलने वाली अद्भुत झांकियों पर दिल्ली समेत पूरे देश की नजर है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के लोगों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के लोगों से मजबूत लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद्मश्री सम्मान पाने वाले चर्चित शिक्षण संस्थान सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार सहित राज्य की 3 हस्तियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार के मुख्यमंत्री ने मधुबनी की सुभद्रा देवी और नालंदा के कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में तथा पटना के आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिलने की घोषणा पर प्रसन्नता जाहिर की है। यूपी समेत कई राज्यों में रामचरितमानस पर लगातार विवादित बयान जारी है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और राजद नेता चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया था। इसके बाद कर्नाटक के रिटायर्ड प्रोफेसर और लेखक केएस भगवान ने भगवान राम पर विवादित टिप्पणी की। तब समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। अब इस विवाद पर गुरु बाबा रामदेव ने चेतावनी दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यात्रा में शामिल होने का राहुल गांधी का न्योता नीतीश कुमार को दिया गया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसे विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। देश भर में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इससे पहले बुधवार को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सेगरी भाटा गांव में एक पूर्व आतंकवादी ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। शेर खान नाम का यह आतंकी हरकत उल जिहाद इस्लामी का आतंकवादी था और 1998 और 2006 के बीच एक खूंखार नाम था। उसने 2016 में आत्मसमर्पण कर दिया था और 2019 में रिहा होने से पहले 13 साल जेल में बिताए। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। इसके चलते पटना हवाई अड्डे पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर कहा कि ये तो उपेंद्र कुशवाहा ही बताएंगे कि अपना कौन सा भाग लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उस जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी उपेंद्र कुशवाहा ही थे। क्या डील हुई है यह तो उपेंद्र कुशवाहा ही बता सकते हैं। 26 जनवरी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में 6 अग्निवीर भी नौसेना के मार्च करने वाले दल का हिस्सा होंगे, जो देशभक्ति के जोश के साथ बृहस्पतिवार को कर्तव्य पथ पर रस्सी परेड में शामिल हुए। समारोह की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी समारोह में मुख्य अतिथि हुए। हाल में सिनेमाघरों में रिलीज हुई बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान को देश भर में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। भागलपुर में मंगलवार की रात दीप प्रभा सिनेमा हॉल में विभिन्न हिंदू संगठनों ने पठान फिल्म का विरोध किया। पुलिस ने अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है। भागलपुर पुलिस ने समाज में शांति व्यवस्था को भंग करने के आरोप में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देश भर में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस बार के परेड समारोह में पहली बार गरुड़ कमांडोज हिस्सा ले रही थी। गरुड़ कमांडोज देश की सबसे उत्कृष्ट सैन्य बलों की टुकड़ियों में से एक है, जो मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के साथ कार्य करती है। इनमें शामिल होने वाले कमांडोज की ट्रेनिंग काफी एडवांस और सख्त होती है। इसकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि बिना कुछ खाए एक हफ्ते तक संघर्ष कर सकते हैं। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक और बयान दिया है। इस बार उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री दिमाग से दिवालिया हैं, ऐसे लोग मंदबुद्धि होते हैं। मालूम हो कि श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने पर सपा नेता पर केस दर्ज हो चुका है। लद्दाख में पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पहले नियमित रूप से पेट्रोलिंग किए जाने वाले 65 में से 26 पेट्रोलिंग प्वाइंट को भारत ने अपनी पकड़ से खो दिया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिविधि के बीच चीन किस तरह पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिए सलामी स्लाइसिंग की अपनी रणनीति जारी रखे हुए है। यूनाइटेड नेशंस ने बजट से पहले भारत का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है। यूएन ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 20 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.8% पर कर दिया है। हालांकि खास बात यह है कि कुछ अन्य देशों के लिए अनुमान में और ज्यादा कटौती की गई है। रणनीतिक रूप से हताशा के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आंतरिक राजनीतिक
रणनीतिक माहौल से घिरे शांति प्राप्त करने से पाकिस्तान को तभी लाभ हो सकता है जब वह अपनी वास्तविक और काल्पनिक सुरक्षा चिंताओं के बदले आर्थिक राहत को तरजीह दे। पाकिस्तान की इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से भी रणनीतिक बढ़त मिलती है क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया के लिए क्रॉसिंग प्वाइंट जैसा है। मिलेट्स मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में पैदा होता है। भारत मिलेट्स का शीर्ष उत्पादक देश है और इसके बाद नाइजीरिया, निजर और चीन का स्थान है। मिलेट्स अभी भी उपसहारा अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पारंपरिक भोजन है। प्राचीन संस्कृतियों और पैतृक परंपराओं से निहित ये फसलें लंबे समय तक कठोर परिस्थितियों में जीवित रही हैं। उनकी जलवायु लचीलापन और अनुकूलन क्षमता खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करती है। इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी का आगमन भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी को रेखांकित करता है। साथ ही एक लंबे अरसे बाद सबसे बड़े अरब देश के साथ पुराने संपर्कों को ताजा करने का प्रयास भी करता है। इस वर्ष भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। आज गणतंत्र दिवस के खास मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर काफी कुछ नया हुआ। आज परेड बेहद खास हुई। बता दें, हर साल परेड में कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब परेड में एक ऐसा ड्रोन देखने को मिला जो आदमी को लेकर उड़ान भर रहा था। इस ड्रोन का नाम है वरुण। इस ड्रोन का ट्रायल पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किया गया था। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने से पहले बैंकों में लगातार 4 दिन तक कामकाज नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इसके अलावा महीने के 4th शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। इस तरह लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान भारतीय सेना ने अपनी ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। परेड में अर्जुन टैंक से लेकर हेलिना और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। 61 कैवेलरी की वर्दी में सेना की टुकड़ी शामिल हुए। पहली टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन डाय जादा सौरे वाली ने किया। बता दें कि 61 कैवेलरी दुनिया में एकमात्र सेवारत एक्टिव घुड़सवार कैवेलरी रेजिमेंट है। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस का नेटवर्क बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी के साथ वंदे भारत ट्रेन की सुरक्षा के लिए भी रेलवे कार्य कर रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से मवेशियों के टकराने की घटना को रोकने के लिए पश्चिम रेलवे ने 620 किलोमीटर से अधिक लंबे मुंबई अहमदाबाद ट्रंक मार्ग पर मेटल बैरियर लगाने का काम शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने एक और यात्रा शुरू कर दी है। 26 जनवरी से वह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ लिखी राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर पहुंचाएगी। इसके साथ ही आगामी चुनावों को लेकर भी कांग्रेस लोगों तक अपनी पैठ मजबूत करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बार बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। हर बार की तरह इस बार के बजट से आम आदमी से लेकर नौकरी पेशा और किसानों को काफी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री 9 साल पुरानी मांग पर राहत देंगे और आयकर छूट की सीमा में इजाफा करेंगे। इसके अलावा इस बार पीपीएफ और 80C की लिमिट भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका और न्यूजीलैंड से 3-3 मैचों की वनडे सीरीज क्लीन स्वीप कर ली है। इसके साथ ही उसने T20 के बाद अब वनडे क्रिकेट की ICC रैंकिंग में भी अपनी बादशाहत कायम कर ली है, यानी इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई। अगले महीने ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर आ रही है। कंगारुओं के साथ भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। एम्स दिल्ली में MBBS कर रहे अंतिम वर्ष के छात्रों के शिक्षण प्रशिक्षण में बदलाव करने जा रहा है। एम्स एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगा जिससे छात्र PG की तैयारी करने के साथ अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकेंगे। साथ ही सीखने और बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण को मजबूत किया जाएगा। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पाकिस्तान को लेकर स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि दुनिया की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक नहीं रहा है और कभी कभी चीन और पाकिस्तान की ओर से भी नापाक हरकतें होती हैं, मगर अब युग बदल गया है। जल्द ही पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय होगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और उसके 3 हिस्से भारत में मिल जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर मैनपुरी के सांसद डिंपल यादव ने सफाई में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने नेताजी को पद्म भूषण मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा, जिस तरह नेताजी का कद था उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिले। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में बीते कुछ सालों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इस उद्योग ने हाल ही में जापान, UK, जर्मनी जैसे मजबूत बाजारों को पीछे छोड़ दिया है और अब यह नंबर 1 बनने की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का 3रा सबसे बड़ा उद्योग है और इससे आगे चीन और अमेरिका है।
उत्तराखंड में जोशी मठ में बेतहाशा अवैध कंस्ट्रक्शन के चलते पैदा हुए प्राकृतिक संकट से मकानों में दरारें पड़ने का मामला भी ठंडा नहीं हो पा रहा था कि कार्बेट टाइगर रिजर्व को लेकर गहगहमी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन वन मंडल अधिकारी किशन चंद को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विभिन्न अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एथोनी अल्बानीज ने भारत को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर भारत को शुभकामनाएं संदेश दिया। उन्होंने लिखा, आधुनिक भारत की प्रभावशाली उपलब्धियों का सम्मान करने का ये पल है। आज भारतीय विरासत के सभी लोगों के लिए अपने साझा प्यार और साझा विश्वास के आसपास एकजुट होने का मौका है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भारत और अपने देश की दोस्ती की गहराई की बात भी अपने संदेश में कही। फिनटेक कंपनी फोनपे ने बुधवार को कहा कि भारत को फिर से अपना ठिकाना बनाने के लिए उसे 8000 करोड़ रुपए के कर का भुगतान करना पड़ा है। कंपनी ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि उसे 7300 करोड़ रुपए का संचित घाटा हो सकता है, हालांकि इसकी भरपाई भविष्य में होने वाले लाभ से हो जाएगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विपिन दास, रविशंकर, महमूद अंसारी, एमडी शाकिर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार, एमडी नौसाद रजा और अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, डिंपल यादव द्वारा दिवंगत मुलायम यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।